सो गाइस अब जाने का टाइम आ चुका है, तो अब चलते हैं यहीं पे ही मुगल गार्डन को करते हैं सी ऑफ। सो ओके गाइस अब निकलने का टाइम आ चुका है, तो आने वाले टाइम में और ये थोड़ी सी आगे ही एक इतनी प्यारी जगह आ रही है गाइस कि जो पिछली बार हम लोग यहाँ पे कवर नहीं कर पाए थे, तो इस बार मैंने सोचा क्यों ना इसको कवर कर ले। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस वगैरह हो गया है। तो पिछली बार जब हम आए थे ना भाई साहब, बहुत ही प्यारी जगह थी, बहुत ही गज़ब की जगह थी। सामने वाली जो जगह है तो रिवर बहती हुई और छोटा सा ब्रिज है ये वाला। तो पहले एक ही ब्रिज था ये वाला, तो एक इस बराबर में बना दिया, और जो पानी का जो लेवल है वो भी इस बार कम है थोड़ा सा। तो पिछली बार इतना ज़्यादा था भाई, मतलब बहुत ही कमाल का नज़ारा था ये वाला, और मौसम कुछ अलग ही था उस टाइम पे भी। तो आज तो मौसम वैसे खुला हुआ है और गर्मी लगनी स्टार्ट हो गई है। तो फाइनली हम लोग अब श्रीनगर में एंटर हो चुके हैं। तो श्रीनगर में एंटर होने के बाद हम देखते हैं, तो हमारा जो स्टे होगा वो डल लेक पर ही होगा। तो डल लेक के वहीं पे ही हम देख लेंगे कहीं पे रूम वगैरह जो हमारा रहेगा, तो वहीं पे स्टे करेंगे। और भाई फुल ऑन पावर, फुल ऑन तवाई होने वाली है गाइस। वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। प्लीज़ गाइस ऐसे ही सपोर्ट दिखाओ और बहुत सारा प्यार दिखाओ, क्योंकि देखो सपोर्ट की ज़रूरत है और आपके प्यार की ज़रूरत है इन कमाल के नज़ारों के लिए और कमाल की वादियों के लिए गाइस। तो बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। एक बार रास्ता चेक मारो गाइस, कितना ज़बरदस्त रास्ता है, मतलब बाइक चलाने का मज़ा ही अलग है इन सड़कों पे। फाइनली गाइस अब हम लोग पहुंच गए हैं सीधे अपनी डल लेक पे। तो ये सामने आपको दिख जाए गाइस, बिल्कुल ही कमाल है यार। मतलब साइड में हम रोड पे चल रहे हैं और बराबर में हमारी डल लेक है, तो मतलब गज़ब है यार। एक बाइक चलाने का एक्सपीरियंस ना मतलब अलग लेवल का हो गया है बिल्कुल। तो बहुत ही कमाल की चीज़ें हैं सारी। सो ऑल राइट गाइज, भाई बिल्कुल क्या है कि अपना हमने लगेज वगैरह सब कुछ डाल दिया है रूम पर और तैयार हो गए हैं, बिल्कुल फ्रेश हो गए हैं एकदम। तो सुबह के चले हुए, और भाई बस अब अपनी बाइक उठाएंगे। बाइकों की कंडीशन कुछ इस तरीके की है, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई क्योंकि रास्ता इतना ख़राब था, इतना गंदा था भाई पूरे उसमें बारिश। और ये अपनी रॉयल इनफील्ड, सो बस जा रहे हैं देखने, थोड़ा सा घूमेंगे, डल लेक जाएंगे और एक दो जगह पॉइंट और हैं वहाँ जाएंगे। और बाकी आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, और वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलो फिर सीधे चलते हैं अपनी एक और मंजिल की तरफ, एक और डेस्टिनेशन की तरफ। तो अपने सारे भाई लोग तैयार हो गए हैं बिल्कुल। बस अब निकलने का टाइम आ गया, अपनी आरएस को करते हैं स्टार्ट और फिर चलते हैं सीधे। और भाई मौसम टोटल डिफरेंट हो गया है, अभी जब हम ऊपर थे वहाँ पर सोनमार्ग की साइड, भाई बहुत लिटरली बहुत ज़्यादा ठंड थी, हाथ भी बिल्कुल सुन हो गए थे। तो अब भाई बिल्कुल गर्मी हो चुकी है, तो अब वार्मर वगैरह सब कुछ उतर गया है, तो बिल्कुल एक टी शर्ट में आ गए हैं, तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। मे भी शायद हो सकता है रात में ठंड हो जाए, तो बाकी देखते हैं और निकलते हैं फिर सी। तो जी अभी कर दी हमने बाइक अपनी पार्क, और वो भी डल लेक के बराबर में पार्किंग है यहाँ पर हमने कर दी, और वहाँ पर खड़ी अपनी बाइकें। और अब ले रहे हैं हम यहाँ से अपने लिए मोमोज़, जो कि स्टीम मोमोज़ हैं, बस वो बन रहे हैं। और भाई फिर खा के चलेंगे सीधे, खाते खाते चलेंगे और घूमते हैं डल लेक की खूबसूरती को देखते हुए, और देखते हैं आगे और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं देखने को। बने रहिए फिर जुड़े रहिए हमारे साथ। और भाई काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे, चिली पटेटो भी हैं, मैगी भी है, बिरयानी, और बिरयानी में है चिकन मोमोज, और भाई बाकी का सारा आइटम यहाँ पर अपना। तो बस पहले आते हैं मोमोज, फिर उसके बाद चलते हैं। तो जी ये यहाँ का क्राउड है इतना, और ये यहाँ पे की आई थिंक एग्ज़िट, और सामने की तरफ है अपना एंट्री। तो भाई भीड़
इस कदर की है कि बस पूछो मत। तो अभी देखते हैं कि कहाँ से इसका टिकट लेने का हिसाब है और अपने बंदे कितने हैं। सो पहले कर लेते हैं रोड क्रॉस, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत आ रही हैं। भाई किधर गए हैं अपने बंदे, उन्हें देखना। सो देयर इज, ओ भाई भीड़ ये अपना टिकट काउंटर भैया इधर की साइड बिल्कुल छुपा हुआ। 24 रुपये। अबे कैमरा वगैरह वो तो नहीं है ना यहाँ पे? 24 रुपये पर पर्सन। 24 रुपये। सो जी एंटर हो चुके हैं अपने मुगल गार्डन। और भाई मुगल गार्डन है ये? मुगल गार्डन। मुगल गार्डन। अबे मैंने भाई पहले ही पढ़ दिया था। नहीं नहीं कोई
सो जी बहुत ही प्यारा एक गार्डन है ये, और भाई क्या कमाल के फूल और कमाल की एक यहाँ पे एक सुकून, एक शांति। और भाई कसम से जो एक नेचुरल ब्यूटी होती है ना भाई, जब जो एक नेचुरल नेचर भाई क्या ज़बरदस्त, मतलब यार आप यहाँ सुकून से बैठो और इस सुंदर नज़ारे के मज़े लो भाई, बहुत ही गजब। एक बार मैं आपको 360 व्यू भी दिखा देता हूँ भाई। बहुत ही ज़बरदस्त, और ये पूरा अभी ऊपर भी है। भाई साहब इससे ज़्यादा खूबसूरत जगह मैंने अभी तक नहीं देखी है, और इतनी ब्यूटी, इतनी ब्यूटी भाई, गज़ब यार, मतलब क्या कमाल का एक नज़ारा है। और पीछे सारी ग्रीनरी ही ग्रीनरी भाई, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मतलब दिल को छू लेने वाली, एक जो सुकून देने वाली चीज़ होती है ना भाई, वो चीज़। और भाई पीछे बैठने के लिए भी बहुत बढ़िया चीज़ है, तो एक बार ये वाटरफॉल देखो छोटा भाई,
सो गाइज अब यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है भाई। सच में कमाल है श्रीनगर, सच में मतलब क्या ज़बरदस्त एक ब्यूटी है भाई, एक कमाल की नेचर, बहुत ही ज़बरदस्त भाई, बहुत मज़ा आया। और अब जा रहे हैं दूसरी लोकेशन की तरफ जो कि आई थिंक मार्केट वगैरह है, तो बस वहाँ पे जाएंगे और फिर उसके बाद फिर जाएंगे अपने रूम पर, फिर भाई और दिखाएंगे आपको कि कौन कौन से पॉइंट्स को हम लोग कवर कर सकते हैं। तो बस सीधे चलते हैं गाइस, अब जाने का टाइम आ चुका है तो अब चलते हैं, यहीं पे ही मुगल गार्डन को करते हैं सी ऑफ। और भाई कसम से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही एक फ्रेश नेचर में आने के बाद भाई साहब बिल्कुल एकदम फ्रेश आ रहा है, बिल्कुल जो अपनी एनर्जी थी भाई वो बिल्कुल डबल हो गई है। तो आगे फिर हम दोबारा से भाई अपनी राइड पे जाने के लिए एक नया बूस्ट अप मिलने के बाद भाई बहुत ही कमाल का हो गया है। अब बस चलते हैं एक दूसरी लोकेशन के लिए जो कि अपनी मे बी शायद डल लेक या फिर कोई जो मार्केट वगैरह है वहाँ जाएंगे और फिर वहीं पे ही जाके आपको दिखाएंगे, कुछ एक्सप्लोर करेंगे। सो गाइस वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो मिलते हैं फिर आगे के ब्लॉग में, आगे की वीडियो में। ओके। सो गाइस अब हम आ चुके हैं अपने रूम पर, और भाई बहुत ज़बरदस्त एक सफ़र रहा है, और श्रीनगर हमने फर्स्ट टाइम ऐसे घूमा, और भाई मतलब जो सच में एक ब्यूटी है ना कश्मीर की, कश्मीर नहीं श्रीनगर बोला जाएगा, तो श्रीनगर भाई साहब मतलब उसका जो वो पार्क था मुगल गार्डन भाई वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल, बहुत ही कमाल का था। और डल लेक तो भाई है ही भी, बहुत खूबसूरत जगह है। सो बस आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और कल मिलते हैं कल एक नए सफ़र के लिए, एक नई जर्नी के लिए, एक नए पॉइंट के लिए, तो बहुत मज़ा आने वाला है। स्टे ट्यून स्टे वॉच। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जो साइड में रेड कलर का जो बटन है उसको प्रेस कर दीजिए जिससे कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और जो साइड में बेल आइकन आ रही है प्लीज़ उसको ऑल कर दीजिएगा ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन जितनी भी वीडियोस वगैरह आती हैं लेटेस्ट सबसे पहले आपके पास पहुंचने पाए और आप इन्जॉय करने पाए इस खूबसूरत सफ़र को। सो थैंक यू सो मच गाइस, कीप सपोर्टिंग कीप लविंग, और तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तो फिर ओके गुड नाइट, मिलते हैं अगली वीडियो में।